आज के समय में स्किन डिसीज आम डिसीजों की तरह ही लोगों में देखी जाने लगी है। भारत में सबसे ज़्यादा 70% से लोग स्किन डिसीज से पीड़ित हैं। इसी स्किन डिसीज को देखते हुए आज हम सिसोरा ऑइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। सिसोरा ऑइंटमेंट क्या है, इसके कॉम्पोजिशन, इसके यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक की और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। स्किन डिसीज किसी भी तरह की उसको कभी भी नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग उसको नॉर्मल वे में ले लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और कुछ समय बाद वे इतना गंभीर बड़ा रूप ग्रहण कर लेती है कि वो उससे निजात पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसी तरह आज हम सिसोरा ऑइंटमेंट का यूज़ करके आप इस स्किन की डिसीज को ख़त्म कर सकते हैं। ये स्किन डिसीज स्किन में एब्जॉर्ब होकर बहुत ही फास्ट काम करती है। ये मेरे हाथ में सिसोरा ऑइंटमेंट है, ये सिसोरा ऑइंटमेंट का ब्रांड दिया गया, ये बताया गया इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये बताया गया इसमें ये कितने ग्राम की है। चलिए इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें क्लोवेटासोल प्रोपिनेट होता है 0.05% WW होता है और सैलिसिलिक एसिड होता है 6.0% WW होता है। तो इस तरह से इसमें कॉम्पोजिशन है। ये सारे कॉम्पोजिशन स्किन की प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग और MRP की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी 5/2018 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी एक्सपायरी 4/2020 है। और इसकी MRP की बात करें तो ये 59 रुपये की एक ऑइंटमेंट आती है। तो इस तरह से आप इस ऑइंटमेंट को खरीद के यूज कर सकते हैं। चलिए इसकी पैकिंग की बात करें तो ये 20 ग्राम की पैकिंग में आती है और इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है। चलिए इसको खोल के बताता हूँ मैं तो किस तरह से इसकी पैकिंग है। ये मैंने इस ऑइंटमेंट को निकाल लिया इस रेपर में से। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक पैकिंग में है ये। तो आप यदि आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको टीनिया की प्रॉब्लम मतलब दाद वगैरह की प्रॉब्लम है, आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन या ईचिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इस ऑइंटमेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हो। आपको किसी तरह की टीनिया की प्रॉब्लम है, ये जो दाद वगैरह हो जाती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा में इसका यूज कर सकते हैं। आपको किसी तरह की ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है ना, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। आपके चेहरे पर मुहासी की प्रॉब्लम है उसमें आप इसके यूज़ कर सकते हो। आप सोरायसिस में इसका यूज़ कर सकते हो। आपके मुहासे के बाद जो पिंपल्स के बाद जो स्पॉट्स बन जाते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। तो चेहरे पे यदि आपको किसी भी तरह के निशान वगैरह हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल ऑइंटमेंट है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जिस जगह पर स्किन में इन्फेक्शन है, ये प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह को साफ करके आप बिल्कुल हल्का हल्का लाइटली उसको लगाना है तो आप इस तरह से इस ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे इसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट तो है नहीं। किसी किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी किसी को इसको लगाने के बाद छोटी छोटी फुंसियाँ जो स्पॉट्स जो छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। वैसे भी अगर आपको लग रहा है मुझे स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर फंगल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से इस ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।